ग्वालियर जिले में मध्य प्रदेश चैप्टर ऑफ एसोसिएशन द्वारा गायनेक एनकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया की प्रदेश स्तर की दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कैंसर चिकित्सालय परिसर में किया गया, जिसमें सांसद भरत सिंह कुशवाहा सहित समेत विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद रहे। आयोजित कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में महिलाओं में होने वाले विभिन्न कैंसर के बारे में व्याख्यान दिए गए और पैनल डिस्कशन भी किया गया। वहीं कार्यक्रम के समापन समारोह में कैंसर की जंग जीत चुके मरीजों ने एक रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। कितना महत्वपूर्ण ये सेमिनार मान रहे हैं आप? कैंसर हॉस्पिटल पर दो दिवसीय इस महत्वपूर्ण सेमिनार में हमारे देश के कोने कोने से सभी डॉक्टर के रूम में विशेषज्ञ यहाँ उपस्थित हैं, और जिस तरह से स्त्री प्रस्तुति जो कैंसर के बारे में जो हमारी माता बहनों को जो कैंसर होता है, चाहे वो स्तन कैंसर हो, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, या शरीर में अन्य जगह कोई कैंसर हो, इसको रोकथाम के लिए ये सेमिनार का दो दिवसीय आयोजन बड़ा महत्वपूर्ण आयोजन है। और विशेष रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि कैंसर के रोगी काफ़ी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, और इस रोकथाम के लिए जो सेमिनार में विचार विमर्श और गहन चिंतन मंथन जो डॉक्टरों की टीम कर रही है, ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है, मध्य प्रदेश के लिए भी, ग्वालियर के लिए भी। नमस्ते, मैं अपने नेशनल देश की फॉक्सी की सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर माधुरी पटेल बोल रही हूँ। ये जो यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज किया है वो कैंसर के लिए किया गया है, जो लेडीज़ में कैंसर के बहुत ही ज़्यादा प्रमाण है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर और जो थैली का मुंह रहता है उसको हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, उसको हम पूरा नाबूद कर सकते हैं। इसके लिए ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है कि हम कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और जल्दी डायग्नोज हुआ तो उसको जल्दी ट्रीटमेंट करेंगे तो उसका क्योर भी कर सकते हैं। और इसके लिए हमारा जो सर्वाइकल कैंसर जो बहुत कॉमन है हमारे ग्रामीण भाग में और यू नो अर्बन भाग में, उसके लिए टेस्ट आती है, स्क्रीनिंग टेस्ट वो करेंगे और उसको आज हमारी दो दिवसीय जो MPS एगोय के बैनर के अंडर ग्वालियर सोसाइटी ने, कैंसर हॉस्पिटल ने और सिम्स हॉस्पिटल ने जिस दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है उसका ये इनॉग्रेशन प्रोग्राम था। उस इनॉग्रेशन प्रोग्राम में हमारे माननीय सांसद जी श्री भारत सिंह जी कुशवाहा उसके मुख्य अतिथि थे। हमारी जो गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं डॉक्टर माधुरी पटेल मैडम, वो फॉक्सी की वो है सेक्रेटरी जनरल है। ये कॉन्फ्रेंस दो दिवसीय है, इसकी जो थीम है वो है गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स प्रिवेंशन टू एलिमिनेशन। इसमें 300 से 50 ज़्यादा लोगों ने इसके लिए रजिस्टर किया है। हमारी 30 से ज़्यादा जो फैकल्टी हैं वो ऑल ओवर इंडिया आई हैं, जिन्होंने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर व्याख्यान लिए हैं और सभी को एनलाइटन किया है। इस कॉन्फ्रेंस की सबसे इम्पॉर्टेंट जो उपलब्धि है और जो बात है वो ये है कि इसमें MP के 14 मेडिकल कॉलेज। कविता एन सिंह है, मैं मध्य प्रदेश के स्त्री कैंसर संगठन की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और इस दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में हमारा सभी स्त्री रोग विशेषज्ञों का प्रयास है कि जननांग कैंसर से संबंधित रोकथाम और उपचार उसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं और क्या क्या नई चीज़ें हैं और क्या करने की आवश्यकता है, इस पर विचार मंथन हुआ है। देश भर से इसमें नामी डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया है, और इस तरह के प्रयास से निश्चित ही हमारे प्रदेश में स्त्री जननांग कैंसर पर कार्य होगा और उसके लिए हम सब कटिबद्ध हैं। इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इसको रोकने के लिए बरसों से प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें स्क्रीनिंग है, वैक्सीनेशन है, अर्ली स्टेज पे पकड़कर उसका सर्जरी है, और गंभीर मामलों में रेडिएशन होता है, तो जितनी भी विधाएं हैं उनका समन्वित प्रयास रहता है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर कविता एन सिंह, मैं मध्य प्रदेश स्त्री कैंसर संगठन की अध्यक्ष हूँ और भोपाल मेडिकल कॉलेज की डीन भी हूँ।